नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज बात होगी उत्तराखंड की सियासत के सबसे बड़े मुद्दे की। बात होगी उत्तराखंड के सियासत के उस खिलाड़ी की जो सियासत को खेलना जानता है, जो उत्तराखंड की आवाम की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए भी जाने जाते हैं। एक सीट पर चुनाव ना लड़ने का इतिहास रखने वाले उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर से चर्चाओं में है। हरक सिंह रावत एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि वो सरकार से नाराज, लेकिन इस्तीफे को लेकर तमाम ड्रामेबाजी के बीच हरक सिंह रावत को लेकर क्यों ये कहा जा रहा है कि वो ड्रामेबाज नंबर वन है? आपको बता दें कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया आज एक खुलासा करने वाला है फिर से कि हरक सिंह रावत की नाराजगी के पीछे की असली वजह क्या है। सिर्फ किस्सा मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है, यह नाराजगी की वजह कुछ और है और इसके तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर जाइए, एक खुलासा हमने 3 दिन पहले किया था और उसी के आधार पर कल यह सियासी बवाल हुआ और आज एक और खुलासा उसी से जुड़ा हुआ न्यूज वर्ल्ड इंडिया करेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं कि हरक सिंह रावत आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ, उनके करीबी ये दावा कर रहे हैं कि हरक मान गए, लेकिन सवाल यह है कि हरक सिंह रावत की गारंटी काऊ ले रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत की गारंटी हरक सिंह रावत खुद नहीं ले सकते, वो आवाम नहीं ले सकती जहां से वो चुनाव लड़ते हैं। तो हरक सिंह रावत की गारंटी उमेश शर्मा काऊ कैसे ले रहे, और वो भी तब जब हरक सिंह रावत अपनी बगावती तेजों के लिए जाने जाते। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ 36 का आंकड़ा और अब एक बार फिर से बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। मगर ये कहानी फिर से मैं कह रहा हूं कि मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये कहानी कुछ और है जिसको लेकर हरक सिंह रावत ने अपनी नाराजगी का इजहार सामूहिक रूप से किया और हरक सिंह रावत को मनाने के लिए समूची बीजेपी जुट गई। मगर उत्तराखंड की आवाम उन्हें ड्रामेबाज क्यों मान रही है, क्यों मान रही है कि हरक सिंह रावत ड्रामेबाज नंबर वन? वो नौटंकी करने में माहिर है, क्या इसके पीछे कुछ और वजह है? इस पूरे मुद्दों को लेकर मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। गरिमा दसोनी, जो कि उत्तराखंड कांग्रेस का चेहरा है, जाना माना चेहरा, तेज तरार प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है गरिमा जी। और साथ ही साथ संजय भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है। भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल गरिमा जी आपसे, मैंने कहा ड्रामेबाजी में नंबर वन है हरक सिंह रावत, लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेस के संपर्क में है हरक सिंह रावत, क्या ये सच है या फिर झूठ? देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि कोई तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इतने चाव से, इतने मन से 2016 में वो भाजपा उन्होंने ज्वाइन करी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसानी भूल होती है कि दूर के ढोल हमेशा हमें सुहावने लगते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, तो हमें लगता है कि शायद वहां जन्नत हो और यहाँ बहुत सारी कमियां उनको दिखाई पड़ी, वो भाजपा में चले गए। लेकिन भाजपा में उनको जाकर पता चला कि ये जो बाहर से दिखने वाली चमचमाती पार्टी है, जो शुचिता और पारदर्शिता की बात करती है, जो तथाकथित जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ये तो अंदर से काली काली है। ये तो यौन उत्पीड़न में संलिप्त है ऊपर से लेकर नीचे तक सब। ये तो किसानों की आत्महत्या के गुनाहगार है, ये तो व्यापारी की आत्महत्या के गुनाहगार है, ये तो शिक्षिका का अपमान करने वाली पार्टी है, ये तो घर घर मोबाइल वैन से दारू बेचने वाली पार्टी है, ये तो घाट में मातृशक्ति पर लाठी भाजने वाली पार्टी है। तो जब ये हकीकत उनके सामने खुली कि जो केवल बाहर से चमकता है वो हर चीज सोना या हीरा नहीं होती, तो फिर आपने देखा कि सिलसिला शुरू हुआ मंत्री यशपाल आर्या जी से और उनके सुपुत्र विधायक संजीव आर्या जी से, और अब लग रहा है
कि ये सिलसिला शायद जारी रहने वाला है, लोगों की कुठा, लोगों का जो आज गरिमा जी आपके सुर कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं, आज सुर कुछ बदले बदले से हैं आपके हरक सिंह रावत को लेकर, बात हो गई आप लोगों की? कुछ जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लोगों ने सबक लिया कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो इस प्रदेश को, इस देश को चला सकती है, इस देश को एक गुलदस्ते के रूप में रख सकती है, इस प्रदेश को सुशासन दे सकती है, वो कांग्रेस है। तो ऐसे कह रहे गरिमा जी जैसे बात हो चुकी है हरक सिंह रावत से। नहीं नहीं मैंने नहीं कहा हरक सिंह रावत कांग्रेस में आ रही, इस बात की पुष्टि मैंने बिल्कुल नहीं करी, ना उमेश शर्मा काउ की करी, पर मैं ये कह रही हूँ कि भाजपा में जाकर पता चला ना कि भाजपा की हकीकत क्या है, पता चला ना कि कांग्रेस का जिसको जिनको धड़ेबाजी कांग्रेस में नजर आती है, हरक सिंह रावत को एंट्री नहीं करवाएंगे कांग्रेस में आप? क्या है, उंगलियां कब बढ़ रही है तिलक जी? आप नहीं चाहती कि हरक सिंह रावत वापसी करें? ये मैं अगर आपको गरिमा जी आप नहीं चाहती ना हरक सिंह रावत वापसी करें जी? आप नहीं चाहती हरक सिंह रावत वापसी करें? मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मेरा हाईकमान जो फैसला लेगा मुझे शिरोधार्य होगा, और ये फैसले चुनावी समीकरणों को देखते हुए मेरा हाईकमान लेता है, मेरे जैसे कार्यकर्ता नहीं लेते। वो जो फैसला लेंगे, उन्होंने यशपाल आर्या जी और संजीव आर्या जी को शामिल करने का फैसला किया, हम सब ने तहे दिल से स्वागत किया, खुले मन से स्वागत किया, राजनीति में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। किसी और वजहों से गए थे वो आप जानते हैं, मैं अभी उस पर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक बात बताइए संजय भट्ट जी, गरिमा जी आज लगता है कि सुर बदले बदले से हरक सिंह रावत को लेकर मैडम के, और मैंने तो इनको बहुत आक्रामक होते हुए देखा है हरक सिंह रावत पर। मैं एक बात भट्ट जी जानना चाह रहा हूँ, मैंने तीन दिन पहले एक खुलासा किया था गरिमा जी एक एक करके देखिए, हरक सिंह रावत जी के ये पूरे मेलो ड्रामा से जो कल नाटकीय यहाँ पर घटनाक्रम हुआ, उससे एक बात तो आप भी पुष्टि करेंगे कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, भाजपा कितना भी उसको ढका ले, पर्दा डाल ले, लेकिन अंतर कलह बाहर निकल कर आया। धन सिंह रावत से कैबिनेट बैठक के दौरान उनकी हुज्जत हुई, उनकी कहा सुनी हुई, बहसबाजी हुई, ये पब्लिक डोमेन में है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस के तमाशे पर तालियां बजा रहे थे, आज कांग्रेस को मौका मिला है खुलकर खुश तो हो लेने दीजिए। अच्छा, तो आज आप तालियां बजा रही हैं, ठीक है, कल तो ये आपके दोबारा साथी वापस आएंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन संजय भट्ट जी, मैंने तीन दिन पहले ये खुलासा किया था, मैंने ये खुलासा किया था कि हरीश रावत जी की नाराजगी के पीछे एक वजह उन बागी नेताओं की वापसी का भी मुद्दा है, जिसको लेकर हरीश रावत जी नाराज हैं। और बकायदा तीन नेताओं का दिल्ली में दौरा, जो बागी नेता हैं वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, इस वजह से हरीश रावत नाराज हैं। और आज इसका प्रमाण आ रहा है कि हरक सिंह रावत अपनी नाराजगी खुलकर जता रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ उनकी गारंटी ले रहे हैं, उनकी गारंटी तो उनके क्षेत्र की जनता नहीं ले सकती, हरक सिंह रावत खुद नहीं ले सकते अपनी गारंटी, और काऊ उनकी गारंटी ले रहे हैं। ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में भट्ट जी? जी देखिए तिलक भाई, चल क्या रहा है ये तो पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि कैसे पहले दो तीन दिन पहले हरीश रावत जी ने पूरा ड्रामा किया और पूरा ड्रामा चला, हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक चला, और कल जिस प्रकार से कांग्रेस भवन यानी उत्तराखंड का जो मुख्यालय है, गरिमा जी मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, गरिमा जी मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप चाहते हैं मैं आपके बीच में बोलूं तो मैं बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूरे पूरे उत्तराखंड ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस भवन के अंदर जूते चले, चप्पल चले, लाते चली, जैसे 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 हरीश रावत जी ने ड्रामा किया वैसे ही सीधे सीधे हरक सिंह रावत जी भी ड्रामा कर रहे हैं। अब हरक सिंह रावत जी की सीधी सी मांग है, सीधी सी डिमांड है कि किस प्रकार से उनको और उनकी बहू को दोनों को टिकट मिल जाए, दोनों को जिस दिन टिकट हो गया जो पार्टी से दे, कांग्रेस से दे, बीजेपी से दे, प्लीज भट्टी एक एक करके मैं तो अपने टाइम पर ही बोल रहा हूँ, गरिमा जी के बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला। भट्टी आपको क्या लगता है, भट्टी क्या वाकई में हरक सिंह रावत की वापसी के द्वार कांग्रेस ने खोल दिए हैं, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ? देखिए हरक सिंह रावत जी और उनकी बहू को जो जो भी पार्टी टिकट दे देगी वो उस पार्टी में रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस दे दे या भारतीय जनता पार्टी दे दे,
अब ये ड्रामा तो सीधा सीधा चल रहा है कि हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि मुझे भी टिकट दो और मेरी बहू को भी टिकट दो। अब वो कांग्रेस मानेगी या बीजेपी मानेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये उत्तराखंड के अंदर जो ड्रामेबाजी कर रखी है हरीश रावत जी ने और हरक सिंह रावत जी ने, ये उत्तराखंड के लिए तो खराब है ना। बैठते हैं क्या ज्यादा, क्योंकि ये आपाएं सब्जी मंडी में चल रही है देहरादून के या उत्तराखंड की। नहीं सब्जी मंडी तो सब्जी मंडी कांग्रेस भवन कल बना हुआ था, सबने देखा कैसे जूते लात चले कांग्रेस भवन में, कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़े। ये सब्जी मंडी जो बना रखी है वो कांग्रेस में ने बना रखी है पूरे उत्तराखंड की, वो तो सबने देखा सब्जी मंडी कांग्रेस भवन बना हुआ था। आपके प्रदेश महामंत्री को आपके लोगों ने पीटा, हरीश रावत जी राजेंद्र शाह जी बोल रहे थे कि रावत जी मेरे लिए गुंडे भेजेंगे क्या। व्यक्तिगत नहीं, देखिए किसके साथ क्या घटना हुई वो व्यक्तिगत नहीं, मैं मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ। गरिमा जी ये सब्जी मंडी, गरिमा जी गुस्सा नहीं, गरिमा जी सब्जी मंडी तो आपने बना रखा है कांग्रेस ने, जूते चल रहे एक सेकंड कांग्रेस भवन में। भट जी संजय भट जी प्लीज, आपको पता ही नहीं आपके वहाँ इंटरनल कितनी घुसम घुसड़ चल रही है। आपने जो जुगराज जी को बर्फ की सीढ़ी में लगा दिया ना, वो तो सबने कहा है 2017 में जूते लात चले, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की तस्वीरें कुचली गई, उन्हें फिर आपने बड़ा पदाधिकारी बना दिया कांग्रेस में जिन्होंने ये काम करवाया। एक सेकंड, पुराने जख्म हरे नहीं होते गरिमा जी आप लोगों के, कितना बेआबरू होकर पीठ में छुरा घोपा था, याद करिए सदन के भीतर इन्हीं लोगों ने पीठ में छुरा घोपा था आप लोगों के, और आज आप कह रहे हैं कि आला कमान कहेगा तो हम लोग तैयार हैं। मतलब जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी सरकार को बदनाम किया, सरकार गिराने की साजिश रची, आज फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आ जाइए कोई दिक्कत नहीं। और हरक सिंह रावत की गारंटी फिर कौन लेगा, हरक सिंह रावत की गारंटी आप लोग ले सकते हैं कोई? देखिए तिलक जी, गारंटी यहाँ बैठे संजय भट्ट जी की भी नहीं है, क्योंकि 17 में ये आम आदमी पार्टी में थे, 18 में ये कांग्रेस में आ गए, 19 में ये फिर आम आदमी पार्टी में चले गए, तो गारंटी तो ये संजय भट्ट जी अपनी नहीं दे सकते। देखिए गारंटी पूरे उत्तराखंड में एक ही आदमी की, हरीश रावत जी की, हरीश रावत जी की गारंटी है, उनके उनके साले करण मेहरा की गारंटी है, उनके रिश्तेदार महेंद्र मारा की गारंटी है, उनकी उनकी गरिमा जी का जी के तो खुद फूफा लगते हैं वो, तो गारंटी सिर्फ हरीश रावत परिवार की है। संजय जी, गरिमा जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल अटैक प्लीज, पर्सनल अटैक संजय जी की गारंटी नहीं। संजय जी सुनिए मेरी बात, संजय जी आप भी मेरे दोस्त हैं, गरिमा जी भी मेरी मित्र हैं, एक सेकंड प्लीज, आप दोनों मेरे मित्र, मैं पर्सनल अटैक नहीं प्लीज, मैं पर्सनल बिल्कुल नहीं चाहता, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज, गरिमा जी मैं मुद्दे पे आऊँ, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं तो ये ड्रामाबाजी नहीं है तो क्या है? आदमी पार्टी के पीठ में छुरा भोग कर संजय हरीश रावत जी ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं, और हुआ क्या दिल्ली में क्या उनको चेहरा घोषित किया? कांग्रेस के तीन, कांग्रेस के पूर्व बागी तीन नेता दिल्ली आला कमान के संपर्क में हैं, जिसमें से दो का प्रमाण आ चुका है, एक का प्रमाण आना बाकी है। मैं लगातार ये दावा ठोक के कह रहा हूँ कि तीन नेता अभी भी रडार में हैं, और कांग्रेस में वापसी के लिए तब हामी भरी जाएगी जब हरीश रावत पूरी तरह से तैयार होंगे, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ। और गरिमा जी आप कह रहे हैं कि वापसी के लिए कांग्रेस आला कमान तैयार हो जाए, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, 2016 भूल गए क्या? सदन के भीतर इन्हीं लोगों ने आपकी पीठ में छुरा घोपा था। आपसे राजनीति दरवाजे बंद करके नहीं की जा सकती, ये तो आप बताइए ना, कौन सी ऐसी सेटिंग गेटिंग थी संजय भट्ट की अपनी पार्टी के साथ कि पार्टी ने कहा जाओ 3 साल जरा कांग्रेस में टहल कर आ जाओ, और कांग्रेस में जब टहल घूम लिए ये तो वापस आम आदमी पार्टी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आम आदमी पार्टी ने आलिंगन बद्ध किया कि नहीं किया? जब इनको कर लिया तो मुझे आप बताइए, जो मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति संभव मोहर लगा रही है। तिलक चावला ठोक बजा के एक बार फिर से कह रहा है कि तीन नेता रडार पर है, तीन नेताओं में से दो सामने आ चुके हैं, एक का इंतजार अभी बाकी है। संजय भट्ट जी मुझे एक बात बताइए, आप तो पुराने कांग्रेसी भी रहे, आम आदमी पार्टी में भी, और हरक सिंह रावत की फितरत को भी जानते हैं, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, ये क्या सिर्फ और सिर्फ मसला उस मेडिकल कॉलेज तक सीमित है? मेडिकल कॉलेज तक सीमित है?
नहीं ये उत्तराखंड की जनता को कौन भ्रमित कर रहा है कि मेडिकल कॉलेज के लिए पूरा बवाल हो रहा है? भटजी मैं गलत बोल रहा हूँ? दीप्ति जी मेरे साथ ज्वाइन बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं तिलक भाई, ये मेडिकल कॉलेज का कोई मामला नहीं है, ये सीधा सीधा मामला है। हरक सिंह रावत जी की चर्चाएं चल रही है कि उनकी बहू को और उनके लिए वो टिकट मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि लेंसडाउन से उनकी बहू चुनाव लड़े, ये चर्चाओं में है, राजनीतिक चर्चाओं में, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि वो चाहते हैं कि उनकी बहू को भी टिकट मिले, उनको भी टिकट मिले। वो कांग्रेस से भी इस समय वो कर रहे होंगे कि भाई दोनों को कौन टिकट देगा, और बीजेपी से भी कर रहे होंगे। जहां उनकी दबाव की रणनीति चल गई वो उस तरफ चले जाएंगे। कोई भी उत्तराखंड का भला करने के लिए नहीं बैठा है, जितने भी ये नेतागण हैं ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो जाऊं, मेरी बहू को टिकट मिल जाए। यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 21 सालों में उत्तराखंड में किया है, और वही ये उसी रूप में इसे लेना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज को तो सिर्फ एक सामने रखा गया है, असल में ये परिवारवाद की बात है कि मेरे परिवार को टिकट मिले। अच्छा, मसला परिवारवाद का आप ये कह रहे हैं। ओके ओके, दीप्ति जी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। दीप्ति जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं, थैंक यू सो मच। बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे भी मौका मिला गुफ्तगू करने का। लेकिन दीप्ति जी चल क्या रहा है उत्तराखंड में, मान गए क्या हरक सिंह रावत? ये अफवाह फैला रहे हैं लोग की मान गए क्या? तिलक जी थोड़ा जोर से आप कहेंगे, मुझे थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ दीप्ति जी, मैंने कहा हरक सिंह रावत मान गए क्या? देखिए हरक सिंह रावत जी, जैसा आपको पता ही है, सब सारी जगह ये खबर भी है, आपको भी जानकारी है कि उनकी कुछ थोड़ी नाराजगी जरूर थी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम को लेकर। और वो काम जब कहे गए और उनकी बातचीत हो गई मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट मीटिंग के बाद, तो वो आश्वस्त हो गए कि हम लोग वो सरकार भी उस चीज पर काम करेगी। और उनको भी लगा कि अपने क्षेत्र के लिए वो जो चीज चाह रहे थे, एक मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी पैसे का आवंटन हो गया। तो अच्छा, तो ये मेडिकल कॉलेज के पीछे नाराजगी थी उनकी? जी मेडिकल कॉलेज के पीछे इतना नाराज हो रहे थे वो? देखिए मेडिकल कॉलेज के पीछे वो बहुत दिन से इस बात को कह रहे थे कि वो होनी चाहिए, लेकिन काफी समय से ये चल भी रहा था और पहले भी इसके लिए सरकार ने कुछ मत दिया। अच्छा, भी था। तो हरक सिंह रावत की भी नहीं सुनती आपके सरकार में कोई नेता अधिकारी, मतलब हरक सिंह रावत की? मैं समझ नहीं पा रहा मैडम, आप एक बार और रिपीट करेंगे मुझे? मेरा सवाल यही है मैडम, दीप्ति मैडम, की हरक सिंह रावत की भी नहीं सुनी जाती आपकी सरकार में? देखिए सुनी क्यों नहीं जाती, सभी की सुनी जाती है। यहाँ चाहे हरक सिंह रावत जी हो, चाहे कोई भी हो, मैं कहूंगी कि हर व्यक्ति की एक बहुत महत्व है भारतीय जनता पार्टी में, एक छोटे कार्यकर्ता हरक सिंह रावत की भी नहीं सुनी जाती। मैं ये पूछ रहा हूं मैडम, संज्ञान भी लिया जाता है और काम भी नहीं सुनी जाती, और हरक सिंह रावत की गारंटी कौन ले रहा है? उमेश शर्मा काऊ मैडम, उनकी गारंटी तो उनके क्षेत्र की जनता भी नहीं लेती, हरक सिंह रावत के क्षेत्र की जनता, और वो गारंटी ले रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो इतने पुराने और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए और इस प्रदेश के लिए भी बहुत काम किया है। वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में ही थे, कांग्रेस से पहले, और आज भी वो यही है। मतलब उनकी मैं कहूंगी कि घर वापसी ही है ये, आप ये मत समझिए कि कांग्रेस से आए हैं वो यहाँ की नीति बहुत अच्छे मुझे से, तो मालूम है मैडम, उनको नहीं मालूम, जिनको मालूम नहीं है वो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के पीछे नाराज है। मुझे मालूम है वो घाट घाट का पानी पी चुके हैं, मुझे मालूम है ये कि ये पूरा बवाल क्यों हो रहा है, और आपको भी मालूम है कि ये मसला मेडिकल कॉलेज का नहीं है। गरिमा जी वो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज के पीछे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दिक्कत क्या है इसमें? मंत्री अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, नाराज हो गए? नहीं तो फिर दीप्ति रावत वो नाम उजागर करें जो जनहित के आड़े आ रहा था, कौन जनहित नहीं होने दे रहा था, कौन मेडिकल कॉलेज नहीं बनने दे रहा था, ऐसा जन विरोधी कौन है सरकार में जो जनहित के कैबिनेट मंत्रियों के पैरों में बेड़ियां डालता है? वो नाम भी सामने आना चाहिए कि जो प्रदेश का दुश्मन है। पूछ लेता हूँ दीप्ति मैडम, बताइए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, नाम सामने आने चाहिए, नाम सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, हाथों पैरों में बेड़ियां डाली और खामोश है, पता नहीं वो अधिकारी कौन है। हरीश रावत जी के हाथ पैर बांध रखे थे, ये भी नाम सामने आने चाहिए, हरीश रावत जी के नाम हाथ पांव किसने बांधे थे? संजय भट्टी ना कृपया करके ये जो ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने इस प्रदेश में आए हैं ये तो शांत हो जाएं,
इनका इस प्रदेश से कोई लेना नहीं देना नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं यहाँ के लिए। ये केवल चुनाव से 6 महीने पहले आते हैं, पोस्टर बैनर लगाते हैं, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट देते हैं और पार्टी अपनी ताकत कर देते हैं और सवाल उठाते हैं जो इस प्रदेश के जनता से जन जन तक जुड़े हैं, जो बिल्कुल ग्रास रूट तक है। ये तो देखिए, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट पार्टी से तो आप ना पूछिए तो बेहतर रहेगा। आम आदमी पार्टी वो तो कह रहे हैं लोग, बीजेपी बात है, बीजेपी की बी टीम है, मैं उससे नहीं जाना चाह रहा। अपना घर देखना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन है जो हरक सिंह रावत को इतना परेशान कर रहा है। मेरे को ये बड़ी चिंता हो रही है इस बात को, और उत्तराखंड की जनता जानना चाह रही है। मतलब हरक सिंह रावत का काम रोक दिया और हरक सिंह रावत मेडिकल कॉलेज बनवाना चाह रहे हैं, वो कौन अधिकारी, किसके अंदर हिम्मत है हरक सिंह रावत को रोक दिया, बताइए आप हरक सिंह रावत को। देखिए ऐसा नहीं है, उनको कोई परेशान नहीं कर रहा है, वो उनका एक अपने अपने क्षेत्र के प्रति हर विधायक का हर मंत्री को लगता है कि हमारे यहाँ कुछ होना, कुछ उसकी प्राथमिकता तो नहीं लड़ते उस विधानसभा से। प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज थी, जिस विधानसभा से चुनाव जीत जाते हैं अगली बार विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ते दिखती मैडम कर पा रही थी, तो वो उनका रिकॉर्ड है, उनकी बातचीत हुई, शानदार रिकॉर्ड है उत्तराखंड के भीतर कि वो 10 दिन के भीतर चुनाव लड़ने की काबिलियत रखते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अगली बार उसी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ते तो ये मेडिकल कॉलेज की कौन सी लड़ाई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, हर बार उन्होंने सीट नहीं बदली, और ये तो कांग्रेस को मालूम होगा कि रुद्रप्रयाग उनको क्यों भेजा गया। उससे पहले वो 2 बार लैंसडाउन के विधायक लगातार रहे हैं, और फिर उसके बाद वो रुद्रप्रयाग गए, उसके बाद वो यहाँ से जब चुनाव लड़े तो वो कोटद्वार से, क्योंकि हमारे पास वहां पे भी कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास उस वक्त नहीं था, क्योंकि उससे पूर्व वहां पर जनरल खंडूरी जी वहां से चुनाव लड़े। गरिमा जी, तो वहां मेरे को दीप्ति जी की बात हजम नहीं हो रही कि मेडिकल कॉलेज के लिए हरक सिंह रावत परेशान थे। हरक सिंह रावत कहते हैं कि जूते की नोक पर मेरे मंत्रालय, यही बोलते थे ना, मैं मंत्रालय जूते की नोक पर रखता हूँ और धारी देवी की कसम खाता हूँ कि मंत्री नहीं बनूंगा, और फिर वही कहते हैं कि मैं तो मंत्री बनूंगा। उनकी ये जो स्टेटमेंट है, ये कौन से ईयर की स्टेटमेंट है, कौन से साल में उन्होंने ये अच्छा, वो सुधर गए अब दिल्ली मैडम, सुधर गए गरिमा जी, कौन से साल में ये स्टेटमेंट दी आप ये बताइए मुझे। नहीं नहीं दीप्ति जी, मैं तो सन भी बता दूंगा आपको, चिंता मत करिए, मैं जगह भी बता दूंगा, मेरे को तो सब याद रहता है। गरिमा जी अपनी बात रखिए। नहीं मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट वो जब वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे उसी वक्त दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इस तरह की स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता है। ओके दीप्ति जी एक सेकंड, गरिमा जी, हरक सिंह रावत जी जो 4.5 साल में इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार में चला, क्या दीप्ति जी आप बंद और कान बंद कर रहे थे शमशेर सिंह सत्याल के बीच में और उनके बीच में जो नूरा कुश्ती चलती रही, किस तरह से लोगों को डेप्यूटेशन पे लगाया गया, हटाया गया, रखा गया, निकाला गया और दिगुना तनख्वाह पे रखा गया, और किस तरह से 20 करोड़ का अनुदान चला गया मेडिकल कॉलेज के लिए और फिर वो अनुदान वापस करना पड़ेगा कल्याण बोर्ड को। 20 करोड़ का बिना अनुमति के पैसा निर्गत हो गया और निर्गत होने के बाद वो वापस करना पड़ा कामकार कल्याण बोर्ड को। तो इन सारे घटनाक्रम से या तो आप अनभिज्ञ हैं तो बता दीजिए। रात का जो उनका बयान है उसमें उन्होंने कहा कि 5 साल से भिखारी बना दिया इस सरकार ने मुझे, अगर एक काबीना मंत्री ये कहता है तो फिर जनता का क्या हालत होगी जीतती थी आप लोगों ने। अगर एक मिनिस्टर कह रहा है मैं भिखारी सा बन गया 5 साल में तो जनता। गरिमा जी ये मिनिस्टर वही थे, सदन के भीतर भी यही कह रहे थे, सदन के भीतर 2016 में भी कुछ ऐसी भाषा थी। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कहीं अपने लिए आप लोग गड्ढे तो नहीं खोद रहे। आप ये कह रहे हैं कि आप वापसी के लिए आला कमान तय कर ले, आप लोग फिर अपने लिए गड्ढे खोद रहे। मैंने कहा, मैं आपको एक चीज कहूँ, गरिमा जी जो बात कह रही हैं, जो आप पूछ रहे हैं, ये इस तरीके की स्टेटमेंट अगर उन्होंने आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने दी है तो मुझे कहीं कोई सुना दीजिए, मैंने तो नहीं सुनी ना, मैंने उसका कोई वीडियो देखा। अब वो ठीक है कोई किसी और ने किसी ने भी छाप दी अगर, और अगर किस ऑथेंटिसिटी से छापी है, कहाँ उसकी कोई ऑथेंटिक बात है, तो वो तो है नहीं, मैंने तो नहीं देखी उनकी, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट उनकी नहीं सुनी। संजय भट्ट जी, संजय भट्ट जी उत्तराखंड कह रहे हैं ड्रामेबाज हरक सिंह रावत, कह रहे हैं वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। संजय भट्ट जी नहीं जी, ये तो स्पष्ट, ये तो यू डोंट वांट
ये तो स्पष्ट हो चुका है कि उत्तराखंड में पिछले 21 सालों से ड्रामेबाजी चल रही है, चाहे वो हरीश रावत जी ड्रामेबाजी कर रहे थे जो अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, और चेहरा घोषित नहीं किया, वैसा ही मुंह अपना अदना सा मुंह उठा के वापस चलाए। वही काम हरक सिंह रावत जी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि किस तरह से मेरे परिवार को टिकट मिल जाए और किस प्रकार से। असल में पिछले 21 सालों से ड्रामेबाजी की गई है, तभी तो उत्तराखंड के ये हाल हुए। यहाँ स्कूल 5,000 जो बंद हुए इनकी ड्रामेबाजी के कारण से हुए। जो एजुकेशन में या शिक्षा में या फिर स्वास्थ्य में जो हालत बुरी बद से बदतर हुई वो कांग्रेस और भाजपा के कारण ही हुई, इनकी ड्रामेबाजियों के कारण ही हुई है। आप गारंटी ले सकते हैं कि हरक सिंह रावत कहीं नहीं जाएंगे? मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं, आप गारंटी ले सकते हैं कि हरक सिंह रावत कहीं नहीं जाएंगे? मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, दीप्ति जी अनम्यूट कर लीजिए मैम प्लीज, आपका म्यूट है दीप्ति मैडम, म्यूट हो रखा है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज तो आ नहीं रही, कनेक्ट नहीं हो पा रहे दीप्ति मैडम, मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगा, लेकिन फाइनल कमेंट गरिमा जी मैं आपसे ले रहा हूं, अब अपने लिए गड्ढे तो नहीं खोद रहे ना? नहीं बिल्कुल नहीं, जैसा मैंने कहा कि ये आदिकाल से चल रही परंपरा है, राजनीति बिल्कुल दूसरा फील्ड होता है यहाँ पर, आदमी की स्वीकार्यता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा दीप्ति मैडम, आपका भी, करीमा जी आपका भी, संजय जी आपका भी, लेकिन फिर से हम यही बात कह रहे हैं कि तीन नेता रडार पर हैं, तीन नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए बेताब हैं, और ये प्रकरण 3 दिन पहले न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इसका खुलासा किया था, और आज भी ये पूरा प्रकरण उसका संकेत दे रहा है। हरक सिंह रावत माने नहीं माने, हरक सिंह रावत की हट के पीछे वजह क्या है? वो वजह सीधे तौर पर यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस आधार पर मैं घर वापसी कर सकता। अब होगी या नहीं होगी ये शायद हरीश रावत ही तय करेंगे, लेकिन पूरे प्रकरण के पीछे वजह यही बताई जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि ड्रामेबाज हरक सिंह रावत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।